दोस्तों, तो ये सारा पैसा जो देख रहे हैं अलमारी में, थैले में, झोला में, और क्या बोलते हैं, बैग में, बोरा में, ये सारा पैसा आपका, हम सब का, पूरे झारखंड वासी यानी झारखंड में जितने गरीब लोग हैं या फिर अमीर लोग हैं, हर एक आदमी का था। लेकिन यह पैसा, जो सारा पैसा है, ये लगभग 210 करोड़ है भाई लोग। सोचिए कि इतना पैसा झारखंड के एक नेता ने सिर्फ चोरी कर लिया था, उसके घर से निकला है, समझिए, वो भी कैश। धीरू साहू, जो झारखंड के कांग्रेस के अभी सांसद हैं, उन्होंने 210 करोड़, सोच लीजिए कि उनके घर से आईटी ने जब छापा मारा तो उनके घर से इतना पैसा निकल गया। सोचिए कि यदि इसको डिवाइडेड करते हैं तो आपको कितना मिलता, यदि यह पैसा को डिवाइडेड किया जाता तो आपको कितना मिलता, और यह पैसा हम सबका क्यों है, किस लिए है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा और जानकारी मिल जाएगा कि झारखंड के नेता क्या कर रहे हैं, आखिर झारखंड पीछे क्यों जा रहा है। सोचिए, एक एक आदमी 200 200, 500 500 करोड़ लेके बैठा है अपने घर में कैश, वो भी अलमारी में बंद करके रखा है, झोला में, बैग में बंद करके रखा है। सोचिए झारखंड के नेता क्या कर रहे हैं और झारखंड को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। कल से जो पैसा गिनती शुरू हुआ है, वो लगभग मशीन खराब हो गया, गिनते गिनते जो मशीन आया था गिनने के लिए, वो मशीन खराब हो गया, मशीन बंद हो गया, गिनते गिनते मशीन थक गया, तो आदमी कब गिन सकता है इसको। और सोच सकते हैं कि इसके ऊपर जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि हम गारंटी देते हैं कि देश को हम गद्दार किए हैं देश के साथ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो क्या बोले, इस वीडियो में लास्ट में आप लोग को देखने मिल जाएगा। इसलिए हम लोग का पैसा है क्योंकि हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, टोल टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, सारा टैक्स का पैसा जमा कर करके, और इन नेताओं ने अपने घर में सिर्फ कैश इतना रखे हैं। सोचिए कि इनके पास बैंक बैलेंस कितना होगा, इनका प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ होगा, किस किस राज्य में होगा, किस किस शहर में होगा, यानी कि हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि नेता मतलब इतना हद तक गिर जाएगा झारखंड को गिराने के लिए, झारखंड को और नीचा दिखाने के लिए और गरीब बनाने के लिए। हम लोग नेता बनाते हैं ताकि वो झारखंड को विकसित करे, गरीबों को देखे, लेकिन वही झारखंड के नेता हम लोग को और गरीब करते जा। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूँ, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। सोचिए, कोयला खदान का घोटाला, आप सोच सकते हैं बालू का जो घोटाला होता है, लकड़ी घोटाला होता है, झारखंड में इतने सारे खनिज संपदा हैं जिनके जिनसे पैसे ही पैसे सिर्फ आते हैं, फिर भी झारखंड इतना पीछे है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये नेता जो धीरू साहू है, वो कांग्रेस के अभी सांसद है झारखंड में, तो सोच सकते हैं कि सांसद इतना रख लिया है, इतना पैसा रख लिया है कि इसके आने वाले भविष्य में लगभग 10-15 पीढ़ी भी इसका पैसा खर्च नहीं कर सकता है। सोचिए नेता क्यों बनते हैं, नेता किस लिए बनते हैं, और नेता बनने के लिए एक दूसरे के मतलब जान लेने पे क्यों तुल जाते हैं। ये है झारखंड का सच्चाई, आप लोग जागिए दोस्तों। तो यदि इस 210 करोड़ को यदि हम डिवाइड करते हैं झारखंड के पूरे हर एक व्यक्ति को, तो हर एक व्यक्ति को लगभग 15,000 से ऊपर पैसा मिलेगा। यानी कि एक व्यक्ति, यदि आपके फैमिली में एक व्यक्ति आप हैं तो आपको 15,000, आपके माता को 15,000, पिता को 15,000, बहन को 15,000, यानी कि आप जितने घर में परिवार है सबको 15-15,000 मिलता। तो सोचिए कि हम लोग का पैसा से नेता राज कर रहा है और नेता चोरी करके ऐश मौज कर रहा है। सोच सकते हैं कि झारखंड कहाँ जा रहा है। भाई, सही नेता नहीं चुनिएगा तो ऐसे ही झारखंड पीछे और चला जाएगा। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।